तो ये तीन शब्द आपको दिख रहे हैं इसमें लिखे हैं, रिजिड, इलास्टिक और प्लास्टिक। इनमें से आपने तीन में से दो शब्द तो जिंदगी में सुन रखे हैं। इलास्टिक अपन पजामे में डालते हैं, तो उसकी विशेषता क्या होती है? उसको खींचें इलास्टिक को और छोड़ दें तो फिर क्या हो जाता है? वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसे खींच के रखें, और ज़्यादा खींच के रखें, लंबे समय तक खींचे ही रखें 2-4 दिन तक, फिर छोड़ें तो अपनी ओरिजिनल स्थिति में वापस नहीं आता है। पर फिर भी काफ़ी हद तक अपनी ओरिजिनल स्थिति में वापस आने के लिए ये जाना जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द आपने प्लास्टिक सुना होगा, पन्नी में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है, प्लास्टिक की बोतलें आ रही हैं, प्लास्टिक के खिलौने आते हैं। असल में क्या है, जिंदगी में कई चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें एक ही शब्द के दो बिल्कुल ही अलग अलग मतलब निकलते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है। प्लास्टिक एक मटेरियल का नाम भी है, जैसे कॉटन एक मटेरियल का नाम है, कॉटन मटेरियल है, प्लास्टिक एक मटेरियल है। आप बोतल खरीदने गए, कौन से मटेरियल की? प्लास्टिक की है साहब, ठीक है। इसका कोई डिफॉर्मेशन से रिलेशन नहीं है। टेक्निकल भाषा में प्लास्टिक ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिसे फोर्स अप्लाई करने पर अगर दबा दें, जैसे कि आटा जो गूथा हुआ रहता है, पानी और आटे का मिश्रण करने के बाद जो बनता है, या फिर सीमेंट और पानी को मिला दें करनी से चला चला के, तो एक ऐसा पेस्ट बन जाएगा, लड्डू जैसा आप बना सकते हो उसका। फिर उसको अगर आप दोनों तरफ से दबाओगे तो क्या होगा? वो चपटा हो जाएगा। काली मिट्टी के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो, है ना? इस प्रकार का जो आइटम होता है, मटेरियल होता है, इसको अगर आप दबाओ और फिर हटाओ, अपना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटाओ, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में बिल्कुल वापस नहीं आते, जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। फोर्स लगाने पर दबा या डिफॉर्मेशन हुआ या दब गया, लेकिन फोर्स हटाया तो वापस अपनी एकदम खुशी से, अपने वापस से जैसे फूल वापस खिल जाता है, ऐसे खुशी से एकदम वापस वो मटेरियल अपनी पोजीशन में आ गया, तो वो इलास्टिक है। फिर आता है रिजिड। रिजिड ये मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें फोर्स लगाए तो ये दबता नहीं है। हाँ, या दबते हैं तो बहुत कम दबते हैं। जैसे कि टोस्ट, टोस्ट आप खाओ, आप उसको खींचने की कोशिश करो या दबाने की कोशिश करो या मोड़ने की कोशिश करो, वो बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सीधे टूट के ही हिलेगा, या तो टूट जाएगा। ऐसा कुछ मटेरियल में ऐसा नहीं होता। जैसे सरिया है, रेनफोर्समेंट स्टील का सरिया, उसको अगर आप मोड़ो तो वो टूटेगा नहीं और मुड़ भी जाएगा। ऐसे आइटम को बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, बाहरी बल लगाने पर मुड़ता या दबता नहीं है। इलास्टिक और प्लास्टिक कैसे हैं? बाहरी बल को बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर दबते हैं या कह सकते हैं डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है, दब सकता है, उसे मोड़ा जा सकता है, डिफॉर्मेशन कह सकते हैं सामान्य भाषा में। इलास्टिक में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, प्लास्टिक में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? अब यहाँ बंटवारा आ जाता है। एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर
फोर्स हटाने पर क्या होता है? ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। और ये नई शेप धारण कर लेता है। देखा, या ये कह सकते हैं पुरानी शेप में वापस नहीं आता, या ये भी कह लो पुरानी शेप में वापस नहीं आता। तो ये इससे आपको हमेशा समझ में आ जाएगा तीनों में अंतर क्या है। इनकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी सामान्य भाषा में, अपने सिंपल भाषा में इनका ये मतलब होता है। और आपके साथ आपकी जिंदगी में जितने भी मटेरियल आपके सामने देखने को मिलेंगे उन सबको आप इन तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हो। जैसे कि आपके हाथ में वो कड़ा है, ये है इलास्टिक। इसको एक्चुअली क्या होगा, ये कड़ा गोल नहीं होगा, ये हो सकता है सीधा होगा। इसको मशीन से घुमा दिया और गर्म करके वेल्ड कर दिया तो वो ये घुमा हुआ रह गया, वरना इसको अगर वेल्ड नहीं करना छोड़े तो ये वापस सीधा हो जाएगा, है ना। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ आती है हाइब्रिड, दो चीज़ों का मिश्रण, खट्टा मीठा मिक्सचर होता है ना, एक होता तीखा मिक्सचर, एक होता मीठा, एक होता खट्टा मीठा, तीखा मीठा, तीखा मीठा। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों होते हैं, उनको बोलते हैं इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल। उसमें क्या होता है, मटेरियल को मोड़ दें और उसके बाद मटेरियल को छोड़ें तो वो कुछ हद तक तो वापस आ जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन उसके ऊपर रह जाता है। जैसे मान लो किसी मटेरियल की रॉड अपन ने ली, उसको मोड़ दिया, फिर छोड़ा तो एकदम स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ा मुड़ा हुआ रह जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को बोलेंगे इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल। हर मटेरियल में दोनों तरह के डिफॉर्मेशन होने की गुंजाइश होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था रेनफोर्समेंट स्टील का सरिया, वो इलास्टिक होता है, उसको मोड़ दें छोड़ दें तो वापस आ जाता है। उसको अगर और ज़्यादा मोड़ें, अति कर दें, तो फिर मटेरियल अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है, फिर वो कुछ हद तक तो वापस अपनी शेप में आ जाता है, कुछ हद तक वापस नहीं आता। तो वो डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन करे और लोड हटाए तो वापस आ जाएगा, उस डिफॉर्मेशन को बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और वो डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन एक बार हो गए तो परमानेंट हो गए, अब वो वापस अपनी शेप में नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो डिफॉर्मेशन भी इस तरह से दो तरह के हो गए। एक हो गया इलास्टिक डिफॉर्मेशन, पन्ना उड़ रहा है, ये रख देते हैं, और एक हो गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये सब अपन इसलिए पढ़ते हैं, कई चीजों का बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी का अंतर भी एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। विदेश में ये सब बहुत रहता है कि यार और हाई स्पीड ट्रेन बनाए अपन, क्यों ना और हाई स्पीड ट्रेन बनाए। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन का टायर बड़ा कर दिया, ट्रेन का टायर बढ़ा के स्पीड बढ़ा दी, तो अंदर कोई सूप पी रहा है तो उसका सूप धुल जाए, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, गिलास उसने टेबल पर रखा तो गिलास धुल गया, तो नहर क्या करे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो लोहे का चक्रा रहता है स्टील का, उसके ऊपर एक रबर की लेयर डाली, रबर की लेयर डाली और उसके ऊपर एक वापिस से स्टील की लेयर चढ़ा दी। अब ये बीच में जो ये रबर की लेयर है,
ये क्या रबर दबता है और रबर को छोड़ो तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। रबर कौन सा मटेरियल हो गया? इलास्टिक। बोलो, शर्माओ मत, रबर हो गया इलास्टिक मटेरियल। चल नहीं रहा पेन, यहां पे है रबर, तो ये दबेगा और वापस शेप में आता जाएगा, गोल घूमते जाएगा, तो वाइब्रेशन काफी कम होगा, इतने कम होगा कि वहां पे वो शैंपेन पीते रहते हैं, बड़ी अमीरों की वो विदेश में ट्रेन बनाई थी वो अमीरों के लिए, तो वहां वो शैंपेन की बोतल रखी है, गिलास रखा है, तो वो फैलता नहीं था पानी पे, गिरता नहीं था, वाइब्रेशन कंट्रोल में रहते थे। कुछ कुछ दिनों बाद उसका बड़ा भीषण हादसा हुआ, कई लोग मरे उसमें, तो लोगों को समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो गया। तो मालूम पड़ा इतनी सड़ी बेवकूफी उनने कर दी थी। क्या होता था, ये जब भी दबता था एक पटरी के ऊपर ये रखा रहता था, तो ये हिस्सा ऐसे से थोड़ा सा ऐसा हो जाता था, मतलब नीचे का थोड़ा चपटा होता था, तो ये वाला जो कर्व है ये चपटा हो गया, फिर ये टायर गोल घूम के जब ये वाला हिस्सा इधर आ जाता था तो फिर ये गोल होता था। इससे क्या हुआ, जो ये वाली जो पोर्शन था स्टील का, वो चपटा सीधा ऐसा होता जाता था हर रोटेशन के बाद। और उसकी वजह से क्या होता था, एक तुमने देखा होगा कि वायर रहता है, उसको ऐसे मोड़ो सीधा करो, मोड़ो सीधा करो, मोड़ो सीधा करो, तो एक टाइम आता है वो टूट जाता है। वो इफेक्ट इसमें हुआ और उसकी वजह से नीचे वाली जो प्लेट है वो टूट गई और बड़ा भीषण हादसा हुआ। तो ये सब चीज़ों की अगर जानकारी नहीं रहती है और अपन कुछ बनाते हैं तो उसका भविष्य में उसका क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है पहले से पता होना चाहिए, इसलिए इंजीनियर को ये सब पता बताते हैं। ये अभी अपन और आगे आगे पढ़ेंगे बड़ी निराली निराली प्रॉपर्टीज के बारे में मटेरियल की। अच्छा, ऐसा भी होता है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होते हैं आप ये बता पाओगे? अब आप ये बता पाओगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होते हैं? अच्छा, अब डिफॉर्मेशन के कुछ अलग अलग प्रकार देखो। एक ये है बीम, इसको मान लो अपन यहां से पकड़ के ऐसे घुमा दें तो ये क्या होगी, ये ऐसे ऐसे गोल घूम जाएगी, समझ लो, जैसे ये इसको पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूं, है ना। इसको अगर अपन सामने से देखें, यहाँ ये ऐसा दिख रहा है, इसको जब घुमा देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसे को बोलते हैं ट्विस्टिंग। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अंग्रेजी के शब्दों का ज़्यादा अनुभव नहीं है तो ये याद रहना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। जो सबसे कॉमन अपन पढ़ते हैं, ये सबके बारे में बहुत बाद में पढ़ोगे आप, सबसे कॉमन अपन पढ़ते हैं अगर ये एक मटेरियल का हिस्सा है, इसमें ये है इसकी एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, अक्ष, जिसके दाएं या बाएं मटेरियल का जो डायग्राम है, बॉडी का जो डायमेंशन है वो एक जैसा है, ये सेंटर में बनती है। इस अक्ष के समानांतर अगर कोई लोड बाहरी बल लग रहा है, बाहरी बल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, बाहरी को एक्सटर्नल फोर्स, अब ये याद रखना है ना, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो देखो ये जो फोर्स लग रहा है ये इसकी लेंथ को कम करेंगे या ज्यादा कर देंगे, ये दबा रहे हैं या खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, तो फलस्वरूप इसका क्या होगा, इसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। ये जो लंबाई कम हुई है क्या ये अक्ष की दिशा में कम हुई है? हाँ, तो ऐसे डिफॉर्मेशन को बोलेंगे एक्सियल डिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? एक्सियल डिफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक्सिस की दिशा में कम ज्यादा इसकी हो रही है लंबाई। एक्सियल डिफॉर्मेशन तब होता है जब फोर्स कैसा लगेगा, एक्सियल फोर्स लगेगा, तो ये वाला जो फोर्स है कैसा फोर्स है, एक्सियल फोर्स, दोनों तरफ बराबर लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एक तरफ लगेगा,
एक मान लो तुम सोचोगे कि ये एक मटेरियल है और ये मेरा हाथ जमीन है, ये मेरे हाथ पे मैंने रखा है, और बोलो कि मैं तो सिर्फ ऊपर से ही लगा रहा हूँ, एक तरफ से ही लगा रहा हूँ, तो भाई साहब ये नीचे भी तो टच हो रहा है कहीं ना कहीं। तो जितना आप ऊपर से फोर्स लगाओगे उतना ही नीचे से बल विपरीत दिशा का अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक तरफ से बल लगता है, बल दूसरी तरफ से अपने आप बैलेंस होता है। और अगर बैलेंस ना हो तो मटेरियल एक दिशा में एक्सेलरेट होने लगता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे अपनी मोटरसाइकिल की, जब तक सामने दीवार आके टकराएगी तब तक रुकेगा नहीं अगर ब्रेक ना हो तो। क्या हुआ तुम, कुछ तबीयत खराब है क्या? तो ये भी क्या है, एक्सियल फोर्स। सुबह से पढ़ पढ़ के थक गए तुम लोग, ऐसा होता है। लाइन से भी कुछ मटेरियलों को या कुछ ट्रस के मेंबर को बनाया जा सकता है। ये इसके ऊपर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, ये भी इसके ऊपर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। दोनों में से टेंशन में कौन सा है, कंप्रेशन में कौन सा है, कौन सा है जो दबाव में है और कौन सा है जो खिंचाव में है? हाँ, ये है नंबर एक, ये है नंबर दो। अब बताओ, नंबर एक दबाव में है क्योंकि इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में है जो इसकी लंबाई को छोटा कर देगा, ठीक है, कंप्रेशन। कंप्रेशन और ये टेंशन। हाँ, बहुत बढ़िया। नंबर तीन और नंबर चार कंप्रेशन में है या टेंशन में है? मैंने लगभग हर स्टूडेंट का देखा है, ये नहीं पता रहता है, ये डाउट रहता है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, जब तक बताओगे नहीं तब तक मालूम कैसे पड़ेगा। कई टीचरों का देखा है, उनको भी ये नहीं पता रहता। अंदाजे से बोल दो सच निकल गया, पर लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक पता रहेगा तो हर बार सही बता पाओगे। तीन नंबर चार नंबर है, ये कंप्रेशन में है या टेंशन में है? दिखने में ऐसा आभास हो रहा है अभी, सिर्फ इसको देखें अगर, क्योंकि ये दोनों तीर अंदर की तरफ बन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इसको छोटा कर देंगे, है ना, ठीक है। और ये उसी प्रकार से ये दोनों अपोजिट दिशा में हैं बाहर की तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि इसको खींच देंगे, लंबा कर देंगे तो टेंशन में। असल में दोनों ये जो चारों डायग्राम है ये अधूरे हैं। अधूरे इसलिए हैं, पूरा डायग्राम कैसे बनता है मैं यहाँ अलग से बना के दिखाता हूँ। कोई भी मटेरियल, अभी थोड़ा मैं लाइन से नहीं बना रहा हूँ, ये मान लो डस्टर, इसको अगर अपन दबाएंगे दोनों तरफ से तो क्या होता है, मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो दब जाते हैं, फैल जाते हैं, जैसे पानी, लिक्विड, लिक्विड को दबाओ तो दूसरी तरफ से फैल जाएगा, ठीक है। कुछ मटेरियल होते हैं रुई जैसे, कुछ मटेरियल होते हैं जो नहीं दबते, थोड़े से दबते हैं तुम्हारा सम्मान रखने को कि चलो थोड़ा दबा लो, जैसे रबर, रबर है तुम्हारे, रबर जो जिससे तुम मिटाते हो, तुम दबाओगे तो तुम्हारा मान रखने को कि थोड़ा सा दब जाएंगे, फिर ज्यादा दबाओगे तो बोलेंगे अरे थैंक यू, थोड़ा सा दबाओगे तो दब जाएगा, और ज्यादा दबाएंगे तो बोले अरे क्या बेवकूफ समझे है क्या, अब नहीं दबना मुझे।
तो एक विद्रोह की भावना इनके अंदर आ जाती है, जो कि भारत के अंदर आई थी ना, कि गुलाम बना लिया, कंपनी खोली तब तक ठीक था, गुलाम ही बना लिया। तो फिर वो कविता आई थी ना, क्या था वो, थम जाए तूफान बूंदों ने, नहीं समुद्र, थम जाए तलवार गर्दन ने विरोध किया, ऐसा कुछ था, एक कविता थी कि समंदर तुम भी समझ जाओ, हम बूंदों ने मिलके एक आंदोलन किया है। तो फिर क्या होता है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो विपरीत दिशा में, ध्यान दो, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बल लगाने लगता है, और ज्यादा इसके अंदर तक ये सिस्टम चालू हो जाता है, सब एक हो जाते हैं, जितनी भी इसके अंदर जनता है, जनता क्या है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल कण, ये सब बोलते हैं यार क्या बहुत ज्यादा हो रहा है, अब नहीं दबना। तो जैसे जैसे दबाव का फोर्स आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे अंदर का विरोध और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और विरोध, इसको अब बार बार मैं विरोध नहीं बोलूंगा, ये समझाने के लिए बोला, इसको अपन बोलेंगे रिएक्शन, रिएक्शन। अब आप बोलोगे रिएक्शन तो वो होती है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है, बिल्कुल अच्छा डाउट है, पूछना चाहिए। अब फिर से वही जिंदगी में दिक्कत कि ये रिएक्शन क्या है, तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, ये हिंदी में सामान्य भाषा में बता रहा हूं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है विरोध का, हाँ प्रतिरोध का बल, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने प्रतिरोध शब्द का उपयोग नहीं किया, विरोध का उपयोग कर लिया, वैसे प्रतिरोध ज्यादा सही शब्द है, प्रतिरोध का बल। अब अपन इसको रिएक्शन बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन है, फोर्स का भी नाम है ना। आपने ये देखा होगा कि एक जमीन के ऊपर एक ये पड़ा हुआ है, इसका वजन है मान लो W, तो इसकी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऊपर की तरफ भी क्या आएगी, R, R इक्वल टू W रहता है ना, तो रिएक्शन इसको भी बोलते हैं। तो और रिएक्शन केमिस्ट्री वाली भी होती है, तो अभी अपन यहाँ है ना, तो यहाँ केमिस्ट्री वाली नहीं है, वैसे ये गलत है, इसका है ना थोड़ा अलग शब्द यूज करना था, इतने सारे शब्द हैं, डिक्शनरी वैसे इतनी बड़ी है, क्या ऐसा कंजूसी करके उसको पतला कर दिया, और थोड़े शब्द यूज कर लेते, पर चलो वो शायद ये सब तो मजाक की बातें हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल ये भी क्या है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर, रिएक्शन फोर्स काय का है, इंटरनल, ये कैसा फोर्स होता है, इंटरनल आंतरिक फोर्स होता है, जैसे रशिया ने हमला कर दिया दूसरे देश के ऊपर, तो वो यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन के लिए वो बाहरी फोर्स है, फिर अंदर के लोगों ने लड़ाई शुरू करी तो वो आंतरिक उनने एक मजबूती की कोशिश करी, फोर्स किया, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती है, समझ गए। अब ऐसा है, अब इस पे आ जाओ, आपको क्या लगता है, ये जो डायग्राम में ये जो दो तीर बने हैं, ये बाहरी बल के तीर बने हैं या आंतरिक बल के तीर बने हैं, हाँ कैसे मालूम पड़ गया, सही बोले आप, क्योंकि ये मटेरियल के बाहर बने गए हैं, यहाँ पे भी क्या है, ये बाहर बना है, मटेरियल के अंदर नहीं बना है, तो ये बाहरी बल है, ये दोनों भी बाहरी बल है, ये दोनों आंतरिक बल है, क्योंकि ये अंदर लग रहा है, इसका तीर अंदर बना है, इसको आंतरिक बल को डेवलप करने के लिए बाहरी बल लगाना पड़ेगा, अपने आप आंतरिक बल डेवलप नहीं होता, तो इसको अगर आप खींचोगे बाहर की तरफ तो ये अपने आप को टूटने से बचाने के लिए अंदर की तरफ इसके अंदर बल डेवलप हो जाएगा। तो एक्चुअली ये इसका पूरा डायग्राम है, ये इसका अधूरा डायग्राम है। अब आपको देख के क्या लगता है, ये टेंशन में है या कंप्रेशन में, सिर्फ बाहरी बल को देखो,
यहाँ पे देखो बाहरी बल को देख के क्या लग रहा है, सिर्फ बाहरी बल को देखो, अंदर का मत देखो। कंप्रेशन है, दबाया जा रहा है इसको, इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी। इधर अभी सिर्फ बाहरी बल को देखो, ये टेंशन में है। हाँ ये टेंशन में है, बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ा डाउट है, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इसका उल्टा डायग्राम बनता है अंदर की तरफ। डायग्राम उल्टा नहीं, तीर, तीर का डायरेक्शन हमेशा उल्टा बनता है अंदर जब बनाते हैं। इन दोनों को ऐसा फोर्स तब डेवलप होगा जब इसमें ऐसा बाहरी फोर्स लगाया जाएगा। तो ये कंप्रेशन में है। मुझे बहुत मजा आता है ऐसी चीज पढ़ाने में जिसमें सबको डाउट रहता है, अभी जिंदगी में नहीं भूलना। इसका अंदर का फोर्स का तीर नहीं बनाया है, बना दो इसका भी। ये इसको बाहर खींच रहा है तो बचाने के लिए इसको कहाँ खींचना पड़ेगा, ये भी इसको बाहर खींच रहा है तो इसको बचाना है तो अंदर खींचना पड़ेगा। ये इसको अंदर दबा रहा है तो इसको बाहर की तरफ डेवलप करना पड़ेगा फोर्स। ये इसको अंदर की तरफ दबा रहा है तो बाहर की तरफ डेवलप करना पड़ेगा। तो ये क्या है, जॉइंट फैमिली की तरह है। जॉइंट फैमिली को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो उनका आपसी प्रेम उन्हें वापस अंदर खींचता है। और अगर जॉइंट फैमिली को बोलो तुम्हारे घर में कितने कमरे, चार नहीं, सब लोग एक ही बेडरूम में, जितने भी जने सब एक कमरे में रहो और दबा दो इनको, तो उतना पसंद नहीं आता। नहीं यार, अपने अपने थोड़ा फैल फैल के रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक छोटे से कमरे में तुम 20-25 जने भर दो। तो ये वैसा केस हो रहा था, इनको दबाया जा रहा था कि तुम्हारे पास चार कमरे ना, नहीं तुम तीन कमरे छोड़ो, एक ही कमरे में सब रहने लग जाओ 20-25 जने, तो बोलेंगे नहीं हमें फैलना है। तो ये ऐसा इसको समझो आप। तो अब आप हमेशा ध्यान रखना, रिएक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल दिख रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अगर रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन या इंटरनल फोर्स के बराबर है तो हम कहेंगे कि चलो दोनों एक दूसरे से जूझ रहे हैं, पर फिलहाल मामला रुका हुआ है, है ना। इधर की सेना भी लड़ रही है, अंदर की सेना भी लड़ रही है, पर ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं ना ये उन्हें पीछे धकेल पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, अगर हम इंतजार करें तो कोई नया डिफॉर्मेशन नहीं होता है, जितना हो चुका वो हो चुका, ऐसा नहीं हम इंतजार करेंगे तो और होता जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, कोई एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज्यादा है तो वो उसको दबा देगा, वो उसको उस दिशा में डिफॉर्मेशन कर देगा। इसी से शब्द निकल के आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, तो सब लोग यही बोल देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, यह है स्ट्रेस, है ना। और ये गलत है, और ये भी ऐसी चीज है जो हर स्टूडेंट का डाउट रहता है, बहुत सिंपल चीज में भी डाउट होता है कभी कभी, ध्यान ना दो तो। मुझे बताओ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर दबाव, दबाव। कभी तुमने अपने आप को दबाव में महसूस किया है जिंदगी में, परीक्षा सर पे है तो कोई बाहरी जिम्मेदारियां जो रहती है दिमाग के ऊपर डली रहती है, उसकी वजह से अपन क्या महसूस करते हैं दबाव, ये समझाने के लिए है। एक्चुअली प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया या एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस होता है इंटरनल या रिएक्शन फोर्स बटा एरिया, इंटरनल या रिएक्शन फोर्स बटा एरिया। इनका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो इसमें आएगा रिएक्शन का R बटा A, इसमें आप लिखोगे तो फोर्स अपॉन A,
है ना, या फिर इसको ये भी लिखते हैं कि पी पी से भी डिनोट करते हैं फोर्स को, पी अपॉन ए। होता यह है कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहती है जो हमेशा रहती है हमेशा अपने सवालों में, तो ये आर और पी एक दूसरे के बराबर रहते हैं, तो अपन फॉर्मूले में लिख देते हैं कि भैया आर अपॉन ए निकालना है, तो आर कितना है दिया हुआ नहीं है सवाल में, लेकिन बाहर का फोर्स दिया हुआ है कितना है, तो फोर्स अपॉन एरिया कर देते हैं क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर है। लेकिन फॉर्मूला या कंसेप्ट में कोई पूछे स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस होता है आंतरिक फोर्स बटा एरिया, और प्रेशर होता है बाहरी फोर्स बटा एरिया। ठीक है,